सीतापुर में बड़ी संकट के महंत बजरंग मुनिदास के विवादित बयान मामले में आज बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी कार्रवाई यूं ही नहीं हुई है, दिल्ली तक इसकी गूंज पहुंचने के बाद और लगातार मामले के तूल पकड़ने के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो क्या कार्रवाई हुई है ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं आई इंडिया के एटर्नी चीफ पंकज सिंह गौर के पास। देखिए, आपको बता दें कि सीतापुर के खैराबाद के जो बजरंग महंत बजरंग मुनिदास हैं, उनका एक बयान, विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी को एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए थे। सीतापुर की पुलिस ने एक 298 के तहत मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि दौरान विवेचना और रुख देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग का साथ में ही मुस्लिम महिलाएं लगातार सड़कों पर उतर रही थी और ज्ञापन भी सौंप रही थी उस बयान के विरोध में। एक अंदर ही अंदर मुस्लिम महिलाओं में एक आक्रोश पनपता जा रहा था। हालांकि बाबा ने, महंत ने एक फिर से एक बयान जारी कर माफी भी मांग ली थी अपने किए पर, और उन्होंने खेद प्रकट किया था, हाथ जोड़कर माफी मांगी थी कि उन्होंने दूसरे प्रदेश में किया था, कि अगर ऐसा होता है तब वो ऐसा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हेट स्पीच थी वो महंत की, और इसको लेकर सरकार भी गंभीर कहीं ना कहीं हुई गई आखिर में, और बाबा को सीतापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज खैराबाद से लेकर हाईवे पर पुलिस की चहलकदमी एकाएक बढ़ गई। इतनी जबरदस्त चहलकदमी थी कि जो है संशय उत्पन्न होने लगा, आखिर बात क्या है। फिर पता चला कि महंत की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद उन्हें जो है खैराबाद पुलिस जो एसओ है अरविंद सिंह, वो और अन्य कई थानों की फोर्स थी, गिरफ्तार कर उन्हें उनका प्राथमिक जो है चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है सीएससी कसबंडा में, वहां से उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि दौरान विवेचना कुछ धाराएं बढ़ी हैं, इसको लेकर के महंत बजरंग मुनिदास को जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई होगी। फिलहाल जो हेट स्पीच थी उसको लेकर के जो दोनों खेमों में बंटते जा रहे थे, एक तरफ मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतर रही थी, तो दूसरी तरफ नैमिषारण्य में भी महंत और साधुओं ने एक बैठक कर कहीं ना कहीं बाबा का समर्थन किया था, महंत बजरंग मुनिदास का समर्थन भी किया था। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने आखिरकार जो हेट स्पीच का मामला था उस मामले में उनकी गिरफ्तारी कर ली, और गिरफ्तार कर बाबा को अब लाया जा रहा है न्यायालय में पेश करने के लिए। जी बिल्कुल, तो बाबा महंत जो बजरंग मुनिदास हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है, ये बड़ी खबर है, और गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो न्यायालय में पेश करने के बाद क्या कुछ आदेश देती है अदालत इस मामले में, इसकी सबसे पहले भी आप तक पहुंचाएगी आई इंडिया जानकारी आप तक पहुंचाएगी, तो आई इंडिया से दर्शक जुड़े रहें। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।